हमारे पास आई है बजाज की एक डिस्कवर, और इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है जो कि स्टार्ट करने के बाद पता चलेगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो अब देखिए बाइक स्टार्ट हो चुकी है और एक अजीब तरीके का साउंड भी आ रहा है, और आप लाइट को देखें किस तरीके से ये ब्लिंक कर रहा है। ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये बजाज की डिस्कवर है, और कोई भी लाइट जला लो आप, मेन लाइट जलाना। तो ज़रा देखिए सारा कुछ जो है फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो चलिए इसको प्रॉपर रिपेयर करते हैं और दिखाते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों कर रहा है ये। कर लिया है और आप ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रीफायर में यहाँ पे बारीकी से तार जो है वो कटे हुए हैं। मैं दिखाने का कोशिश करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बारीकी से तार कटे हुए हैं। यहाँ देखें आप जगह जगह क्रैक हो रखे हैं वायरिंग। तो सबको पहले क्लीन करते हैं अच्छे से और पूरे वायरिंग को सही तरीके से बांधते हैं। कहीं ना कहीं गाड़ी शॉर्ट कर रही थी, और हर एक कनेक्शन को प्रॉपर हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद इसको प्रॉपर बांध के फिर आपको प्रॉपर स्टार्ट करके लाइट वाइट सारा कुछ सही करके दिखा। देखिए तो हम लोगों ने इसके वायरिंग को सटीक किया, पर ये इलेक्ट्रीफायर में ही प्रॉब्लम है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि वायरिंग सही करने के बाद भी ये फ्रीकअप प्रॉब्लम जो है फ्लक्चुएट का वो सॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए आप ये चेंज करने के बाद बाइक जो है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, और आप लाइट देखें लाइट भी फ्लक्चुएट। तो चलिए पूरे गाड़ी को ढकते हैं और पैक करके एक राइड लेते हैं और देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ तो नहीं रहा है। एक छोटी सी राइड लेते हैं इस गाड़ी की और देखते हैं कि अब यह प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। देखें तो आप देख सकते हैं बाइक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है और कहीं से भी कोई मिसिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो हम लोगों ने बाइक को प्रॉपरली चेकआउट किया और कहीं से कोई तरह की मिसिंग की प्रॉब्लम नहीं दे रही है, बाइक बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है। तो आप देख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम थी ये इलेक्ट्रीफायर के कारण ही मिसिंग और प्रॉब्लम आ रहा था। तो आशा करते हैं आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।